भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश की राजधानी दिल्ली के सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आप सबने इतनी बड़ी तादाद में, और मैं ऊपर हेलीकॉप्टर से देख रहा था, सामने वाले दोनों मार्ग पूरी तरह भरे पड़े हैं। ये उमंग, ये उत्साह इस बात का गवाह है कि फिर एक बार साथियों, दिल्ली के लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। आज 21वीं सदी के भारत के सामने सबसे अनमोल समय आया है। ये वो समय है, ये जो बोर्ड वगैरह नीचे रखिए ताकि पीछे लोग परेशान हो रहे हैं, आप नीचे रखिए, मैंने देख लिया, आप नीचे रखिए, नीचे रखिए, आप यहां भी आगे आने की कोशिश मत कीजिए भाई, प्लीज आप जहां हैं वहां रहिए, अब जगह नहीं है आगे आने की, कृपा करके आप जहां हैं वहीं रहिए। आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद, आपका उमंग, आपका उत्साह, ये सब कुछ मेरे सर आंखों पर। साथियों, सही समय है, यही समय है। ये वो समय है जब भारत तेज विकास के लिए एक लंबी छलांग लगा रहा। 24 का ये चुनाव भारत को टॉप तीन इकोनॉमी में लाने के लिए है। 24 का ये चुनाव भारत की अर्थव्यवस्था को उन ताकतों से बचाने के लिए भी है जो अपनी आर्थिक नीतियों से भारत को दिवालिया कर देना चाहती है। 24 का ये चुनाव भारत में गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए उनका जीवन आसान बनाने के लिए, उसके जीवन में खुशियां लाने के लिए है। और 24 का ये चुनाव गरीब और मध्यम वर्ग को उन ताकतों से बचाने के लिए है जो उनकी संपत्ति छीन लेना चाहते हैं। 24 का ये चुनाव
भारत के युवाओं के लिए नए अवसर बनाने के लिए है। चाहे स्पेस सेक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, ग्रीन एनर्जी हो, सोलर रिवॉल्यूशन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का युग हो, हर क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए है। और दूसरी ओर 24 का ये चुनाव उस परंपरा को, उस सोच को भी हराने का चुनाव है जिसने बरसों तक भाई भतीजावाद, परिवारवाद के चलते भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद करके रख दिया है। 24 का ये चुनाव मजबूत भारत बनाने के लिए है और 24 का ये चुनाव उन ताकतों को परास्त करने के लिए है जो भारत को कमजोर करना चाहती है। तो देश की राजनीति को एक मजबूत सरकार चाहिए, देश की राजधानी को दुनिया में प्रतिष्ठा मिले, देश की राजधानी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बने। और इसलिए इस देश को चाहिए फिर एक बार। साथियों, मैं इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूं कि परमात्मा ने मुझे देश के विकास को तेज गति देने के लिए आपकी सेवा में भेजा है। 50-60 साल पहले मैं अपना घर छोड़कर के निकला था, तब मुझे भी पता नहीं था कि एक दिन लाल किले पर तिरंगा फहराऊंगा। पचास साठ साल पहले जब घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ चुका था, सब कुछ छूट गया था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि एक दिन 140 करोड़ भारतीय ही मेरा परिवार बन जाएंगे। साथियों, न अपने लिए मैं जिया हूं, न अपने लिए मैं जन्मा हूं, मैं आपके लिए और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से खप रहा हूं। समाज जीवन का स्वाभाविक क्रम है कि हर परिवार, घर का हर मुखिया अपने वारिस के लिए सोचता है, योजना बनाता है,
और कुछ करता भी है। मुझे तो वो भी नहीं करना है, मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस हैं। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस हैं। और इसलिए मैं आपके लिए ही दिन रात मेहनत कर रहा हूं। मेरा पल पल आपके लिए, मेरा पल पल देश के लिए। आपके सपने, आपके सपने ही मेरा संकल्प है। आपके सपने सफल हो, इसीलिए ये जिंदगी आपके लिए कुर्बान है। ट्वेंटी फोर बाय सेवन फॉर 2047। ये मोदी की गारंटी है। और साथियों, ये पर्दा नीचे करो, पीछे लोगों को दिखता नहीं है भाई, नीचे करिए आप। साथियों, देश को मजबूत बनाना है, इसके लिए मजबूत सरकार चाहिए और मुझे भी मजबूत साथी चाहिए। और इसलिए दिल्ली में भी ऐसे हमारे सभी उम्मीदवारों को राजधानी का प्रतिनिधित्व आपके आशीर्वाद से ये सब विजयी हो, विकसित भारत का मेरा संकल्प पूरा करने के लिए ये मेरे साथ ही बने। साथियों, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर निकला हूं, तब से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भाई, आप लोग कुछ समझते हैं कि नहीं है? आप ये बोर्ड नीचे करेंगे क्या? ये जो भी है वहां सारे को इकट्ठे कर लो भाई, कोई एक इकट्ठे कर लो सब। भाई आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन प्यार इतना मत करो कि पीछे वालों को दिखाई ना दे। ये लोग दूर दूर से आए हैं, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथियों, आप चाहते हैं देश में फिर एक बार मजबूत सरकार बने, आप चाहते हैं
दिल्ली के सभी सांसद हमारे जीत करके आए, तो इसके लिए आपको हर बूथ में कमल खिलाना होगा। हर बूथ में कमल खिले तभी तो देश मजबूत होगा। साथियों, विकसित होते भारत की राजधानी भी विकसित दिखनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। आपने G20 सम्मेलन के दौरान देखा है कैसे दुनिया के शीर्ष नेता दिल्ली को देखकर चकित थे। आज यहां भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं। नया संसद भवन हमारी शान और बढ़ा रहा है। नेशनल वॉर मेमोरियल आजादी के बाद देश के जवान इसके लिए मांग करते थे, प्रतीक्षा करते थे। देश का दुर्भाग्य देखिए, जब तक मोदी नहीं आया दिल्ली में बैठी हुई सरकारों को देश के वीर जवानों के सम्मान में वॉर मेमोरियल बनाने का उनको महत्व नहीं समझ आया। देश में लोगों की सुरक्षा करते करते करीब 35,000 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, हमारी रक्षा करते करते शहीद हुए। उन पुलिस मेमोरियल के लिए देश के पुलिस के जवानों को 70 साल इंतजार करना पड़ा, मोदी आया तब जाकर के बना। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मेमोरियल, एक परिवार के लिए सब कुछ हुआ, लेकिन इतने प्रधानमंत्री हो गए उनको स्मरण करने के लिए उनकी राजनीति, उनका परिवारवाद आड़े आया। ये मोदी है जिसकी रगों में लोकतंत्र जिंदा है, जो जीता है लोकतंत्र के लिए, जो खपता है लोकतंत्र के लिए। और उसने देश में पहली बार सभी प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम बनाया। ऐसे अनेक स्मारक बन रहे हैं जो आधुनिक दिल्ली के दर्शन कराते हैं। हर शाम जब कर्तव्य पथ पर हजारों परिवार खुशियां के पल बिताते हैं तब लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। साथियों, मोदी का 10 वर्ष का सेवा काल दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का कालखंड रहा है। मेरा फोकस रहा है ईज ऑफ लिविंग पर, ईज ऑफ ट्रैवल पर। 10 साल पहले दिल्ली में नेशनल हाईवे की लंबाई 80 किलोमीटर थी। अब ये 160 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है, 160 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। इन 10 सालों में 4 लेन के हाईवे, इसकी लंबाई दोगुनी हो गई है। हजारों बड़े वाहनों को अब दिल्ली में आने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली NCR से होकर शानदार एक्सप्रेसवे चारों तरफ बन रहे हैं। 2014 में दिल्ली मेट्रो का जितना बड़ा नेटवर्क था, आज उससे दोगुना बड़ा मेट्रो नेटवर्क दिल्ली के पास है। अब दिल्ली मेट्रो में हर रोज 65 लाख लोग सफर करते हैं। ये यात्रीगण अब ध्यान दे रहे हैं कि अब मेट्रो का गेट सिर्फ विकास की तरफ खुलता है, और अब तो नमो भारत ट्रेन भी दिल्ली NCR की नई पहचान बन चुकी है।
मैं दिल्ली के लोगों को एक और बात कहूंगा, आज दिल्ली में जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, पर्यावरण से मुक्ति के जो समस्याएं हैं पर्यावरण की, उससे मुक्ति के लिए भारत सरकार ने एक अहम कदम उठाया। देश के बड़े बड़े शहरों को भारत सरकार इलेक्ट्रिक बसें दे रही है। आपने देखा होगा दिल्ली को भी भारत सरकार ने ऐसी सैकड़ों बसें दी हैं, ताकि दिल्ली के लोगों की सुविधा भी बढ़े और पर्यावरण की भी रक्षा हो। साथियों, हम सब जानते हैं दुनिया में कोई भी जगह हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इन्वेस्टमेंट लेकर आता है। आज छोटे से छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बड़े बिजनेस तक सभी फायदे में है, क्योंकि भारत सरकार दिल्ली का चौतरफा विकास कर रही है। साथियों, मोदी दिल्ली के हर गरीब, हर मिडिल क्लास परिवार का जीवन आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरी दिल्ली में पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है, इससे हमारी बहनों को बहुत सुविधा हो रही है। मुफ्त अनाज की योजना भी लाखों लोगों के बहुत काम आ रही है। सबके घर का सपना पूरा करना भी मोदी की गारंटी है। आप देखिए, एक तरफ अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलर करने का काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ झुग्गियों की जगह पक्के घर बनाने का अभियान भी जारी है। मिडिल क्लास के जो साथी अपना घर बनाना चाहते हैं, उनको भी भाजपा सरकार बड़ी आर्थिक मदद देने जा रही है। साथियों, गरीब और मध्यम वर्ग की बचत को बढ़ाने के लिए मोदी ने एक और योजना शुरू की है। ये योजना है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ये योजना दिल्ली के लोगों के लिए ट्रिपल बेनिफिट वाली है, तीन फायदा कराएगी। इस योजना में आपका 300 यूनिट तक का बिजली बिल जीरो हो जाएगा। बिजली बिल जीरो, और इसके लिए भारत सरकार 75,000 रुपीज 75,000 रुपये तक की मदद देगी। और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। इस 75,000 रुपये से अपने घरों पर सोलर पैनल लगाएं, घर में जो इस्तेमाल करने की बिजली की जरूरत है उपयोग कीजिए, और जो अतिरिक्त बिजली होगी वो सरकार खरीदेगी, उससे आपको कमाई होगी। तीसरा लाभ, अब जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, अब पेट्रोल डीजल का जमाना चला गया, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके घर में खुद की बिजली, खुद का सोलर प्लांट, आपके व्हीकल का चार्जिंग भी आपके घर में, मतलब दिन भर आप स्कूटर लेकर के, स्कूटी लेकर के, मोटरसाइकिल लेकर के, कार लेकर के, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसका बिल भी जीरो हो जाएगा। भाई और बहनों, राजधानी दिल्ली में हो रहे इन विकास कार्यों के बीच इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। ये लोग राजनीति का लगातार पतन करने के जिम्मेदार हैं। ये लोग करोड़ों देशवासियों का भरोसा तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और हजारों करोड़ के घोटाले में जेल के चक्कर लगा रहे हैं। और ये कांग्रेस, ये तो पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पहले कांग्रेस वाले पत्रकार वार्ता करते 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 क्रेडिट लेने के लिए तूफान मचाए रखा था। वो कहते थे
शराब घोटाले का पर्दाफाश का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है, फिर शाही परिवार के कहने पर भ्रष्टाचारी को ही गले लगा लिया। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को भी समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। दिल्ली हरियाणा यहां दोस्ती और पंजाब में कुश्ती, ये ढोंग कब तक चलेगा? दुनिया देख रही है कि कैसे एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को कवर दे रहा है। साथियों, एक जमाना था जब कांग्रेस पूरे देश पर राज करती थी, उनकी उंगलियों के इशारों से सरकारें बनती थी और गिरती थी। कांग्रेस की चार पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज ये दिल्ली में चार सीट तक लड़ने की उनकी ताकत नहीं रही है। कांग्रेस इस सीट पर भी नहीं लड़ पा रही है जहां देश की सौंदर्य है और जहां इनका 10 जनपद का दरबार है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का घमंड नहीं टूटा है। साथियों, इंडी गठबंधन वालों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में आपके स्वास्थ्य को भी दांव पर लगा दिया। यहां केंद्र सरकार के अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हो रहा है, लेकिन इंडी वालों ने यहां आयुष्मान भारत योजना पर रोक लगा रखी। मोदी ने अब तय किया है हर परिवार के 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, और इससे परिवार के खर्च में बहुत बड़ी राहत होगी, बहुत बड़ी बचत होगी। लेकिन इसका फायदा दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आपको नहीं मिल पाएगा। ये लोग दिल्ली के एक भी बुजुर्ग को भारत सरकार की योजना का लाभ नहीं लेने देते। मेरा आपसे अनुरोध है, 70 साल के ऊपर के सब लोगों को मिलिए, उनको बताइए कि मोदी ये देना चाहते हैं लेकिन ये दिल्ली की सरकार रुकावट बनी है, और एक भी बुजुर्ग का वोट ये इंडी गठबंधन वालों को जाना नहीं चाहिए। भाई और बहनों, जब 24 घंटे दिमाग में सिर्फ वोट बैंक चलता हो, तब ना इस तरह की योजनाएं संभव होती है और न ही विकास का कोई अता पता होता है। इंडी गठबंधन का यही हाल है, ये तस्थिकरण के लिए सारी हदें पार कर चुके हैं। इनका मैनिफेस्टो देखिए, ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम लीग के दबाव में तैयार किया। ये लोग खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है अब सरकारी टेंडरों को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं, ये स्पोर्ट्स टीमों में भी धर्म के आधार पर सिलेक्शन करना चाहते हैं, ये देश के बजट को धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। और यही नहीं, कांग्रेस के शहजादे आपकी संपत्ति का एक्सरे कराकर, आपके घर पर छापा मारकर आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं, और ये पिछले कई वर्षों से ऐसा करते भी आ रहे हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे, 2014 में चुनाव की घोषणा होने के समय वोट पाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो रिमोट वाली सरकार चलती थी, मैडम सोनिया जी जी सरकार को पीछे से चलाती थी, उन्होंने वोट बैंक के लिए वोट जिहाद करने वालों से सौदा किया, और सौदा किया वो कांग्रेस को वोट देंगे, बदले में कांग्रेस क्या देगी? दिल्ली के लोगों की संपत्ति, हिंदुस्तान के लोगों की संपत्ति, भारत की महान विरासत, 123 प्रॉपर्टी, 123 प्रॉपर्टी रातों रात वोट पाने के बदले में वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थी। ये आपकी प्रॉपर्टी है दिल्ली वालों, 123 प्रॉपर्टी, एक दो नहीं,
एक ही निर्णय में, और मकसद यही था कि इनका वोट बैंक खुश हो और चुनाव में उनको फायदा हो। ये संपत्तियां दिल्ली के प्राइम लोकेशंस में है, जहां एक एक गज जमीन की कीमत कई कई लाख रुपए है। क्या इस लूट को दिल्ली के लोग बर्दाश्त करेंगे? क्या ऐसे लोगों को माफ करेंगे? क्या इनको चुन चुन करके साफ करेंगे कि नहीं करेंगे? भाइयों और बहनों, ये मौका परस गठबंधन तुष्टिकरण के लिए देश में हिंसा भी फैला सकता है। याद कीजिए, सीएए कानून आया था तो इन्होंने दिल्ली को महीनों महीने तक बंधक बना दिया था। पहले रास्ते रोके और फिर दंगे कराए, लेकिन आज पूरा देश ने कहा है कि इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली में कई कई सालों से रह रहे शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल रही है, और अभी ये दो परिवार यहां आए थे, वो प्रताड़ित होकर के आए हुए हैं पड़ोस में से, उनको नागरिकता मिली, वो खुशी जताने के लिए आए थे। और ये कौन लोग हैं? ये हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, ये प्रताड़ित होकर आए हैं, और इनमें से ज्यादातर हमारे दलित परिवार है, इसलिए इनका इतना विरोध किया गया। अभी कुछ देर पहले जो बिटिया मिलने आए, मौका मिला, जो पाकिस्तान से आई थी, भाइयों बहनों, उसे भारत की नागरिकता मिल गई, उसे उज्जवल भविष्य की गारंटी मिली है। एनडी गठबंधन वाले घुसपैठियों के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन जिनके साथ 1947 में जुल्म हुआ उनको हिकारत की नजर से देखते हैं। साथियों, तुष्टिकरण की जीत में ये लोग पूरे देश को सांप्रदायिकता की भेंट चलाना चाहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन ये खुलेआम कह रहे हैं एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर बांट देंगे। साथियों, राम मंदिर को लेकर भी इनका रवैया आज पूरा देश देख रहा है। अब ये लोग अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना चाहते हैं। ये खुलकर के कह रहे हैं आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। ये खुलकर कह रहे हैं कि भारत के हमारे परमाणु हथियारों को खत्म कर देंगे। क्या ऐसे खतरनाक गठबंधन को आप एक भी वोट मिलना चाहिए क्या? साथियों, 25 मई को जब आप वोट डालने घर से निकलिएगा तो विकसित भारत का लक्ष्य याद रखिए। आपको पूर्वी दिल्ली से श्री हर्ष मल्होत्रा जी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जी, और चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल जी को रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाना है। और मेरा आप सबसे आग्रह है, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।